आकाशवाणी पोर्टलेट से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीप समूह में बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जीवाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत व्यापक पैमाने पर डीडीटी का छिड़काव शुरू होने जा रहा है। सांसद विष्णुपद रे ने लोकसभा में चर्चा के दौरान शारदा चिटफंड घोटाले का मामला उठाया। एमवी सूरज दीप संशोधित कार्यक्रम के अनुसार भी आज अपनी यात्रा पर रवाना नहीं हो पा रहा है। और विश्व कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में ब्राजील ने क्रोएशिया को 1-3 से पराजित कर दिया। समाचारों के संक में कृष्ण कुमार विश्वेंद्र के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। पूरी दुनिया के साथ द्वीप समूह में भी कल बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया। प्रशासन के श्रम विभाग की ओर से पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती रत्ना कन्नन मुख्य अतिथि थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को काम पर लगाने के बजाय स्कूलों में भेजने के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक कुप्रथा सहानुभूति के साथ निपटाई जानी चाहिए और छुड़ाए गए बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। कार्यक्रम में श्रम आयुक्त मधुसूदन बैद ने कहा कि बच्चों को सभी सेक्टरों में काम पर लगाना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम के लिए दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों पर 20,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें 3 महीने की जेल भी हो सकती है। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर कल पोर्ट ब्लेयर में श्रम आयुक्त कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई, जो गांधी प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुई। द्वीप समूह में राष्ट्रीय जीवाणु जनित रोग नियंत्रण के कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से रोकथाम के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 जून से 17 नवंबर तक द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों पर समय समय पर डीडीटी का छिड़काव किया जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण में डीडीटी बहुत प्रभावकारी है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में सफाई का विशेष ध्यान रखें और कहीं भी पानी एकत्र न होने दें। संबंधित विभागीय कर्मचारियों से कहा गया है कि वे डीडीटी छिड़काव कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करें। सांसद विष्णुपद रे ने गत बुधवार को लोकसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान शारदा चिटफंड घोटाले का मामला उठाया। सदन में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी की ओर से जिस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर त्वरित अदालतों के गठन की मांग की जा रही थी, उस समय विष्णुपद रे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि शारदा चिटफंड घोटाले की बात तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही। इस टिप्पणी से कुछ देर तक माहौल गर्म रहा। सांसद की टिप्पणी पर उत्तेजित होते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि पहले भाजपा अडानी और अंबानी के पीछे दौड़ना बंद करे। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य एक साथ खड़े होकर सांसद विष्णुपद रे की टिप्पणी पर विरोध जताने लगे। बाद में मामला शांत हो गया। नगर पालिका परिषद पोर्ट ब्लेयर की ओर से सफाई व्यवस्था अभियान में विभिन्न व्यवसायों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। पिछले दिनों बेकरी, गोश्त और हार्डवेयर दुकानों के मालिकों की बैठक में स्वच्छता के लिए सेवा शुल्क के मुद्दे पर चर्चा हुई। सभी ने सेवा शुल्क लगाए जाने के प्रति सहमति व्यक्त की। बैठक में परिषद के अध्यक्ष के गणेशन ने बताया कि इस समय 1,800 सफाई कर्मी नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सभी वर्गों से अपील की कि नगर को साफ सुथरा रखने में योगदान दें। हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष एस चट्टोपाध्याय ने स्थानीय बाजारों में मांस मछलियों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मत्स्य निदेशक को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि रोजमर्रा की इन जरूरतों पर ठेकेदारों की ओर से मनमाना दाम वसूला जा रहा है और उपभोक्ता परेशान है। उन्होंने मछली के निर्यात पर भी तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस वर्ष 12वीं की परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों की अंक तालिका शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुकी है। पोर्टब्लेयर क्षेत्र के विद्यार्थी निदेशालय के सीबीएसई प्रकोष्ठ से अंक तालिका प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों के विद्यार्थी अपने संबंधित अंचल कार्यालय से अपनी अंक तालिका ले सकते हैं। इस बीच 10वीं और 12वीं की अनुपूरक परीक्षा में बैठने वाले नियमित और निजी उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म शिक्षा निदेशालय के सीबीएसई प्रकोष्ठ में प्राप्त हो चुके हैं। सभी शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्षों से जल्द प्राप्त करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं: एमबी स्वराजदीप, भारतीय स्टेट बैंक के नए एटीएम, फुटबॉल और टेनिस।